गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मुकेश सिंह केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेम के बच्चों के लिए है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फेट क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, इसके आधार पे आपने देखा था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट एंड मॉसफेट बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया। जेफेट फर्दर फिर क्या था, एन चैनल एंड पी चैनल। मॉसफेट को इनहेंसमेंट टाइप एंड डिप्लीशन टाइप, फर्दर डिप्लीशन और इनहेंसमेंट टाइप को भी फर्दर दो भागों में एन चैनल और पी चैनल में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। फेट और बीजेटी में हमने अंतर पढ़ा था, हमने सिम्बोलिक अंतर 10 पॉइंट हमने लिखाया था। हमने बोला था कि जो भी एक दो पॉइंट हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं वो आपको कहाँ क्लियर हो जाएंगे, इसके ऑपरेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात की जाए या फेट, पूछ सकता है कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट जेफेट या फेट की परिचालन की व्याख्या कीजिए, उसके ऑपरेशन की व्याख्या कीजिए। सर्वप्रथम हमने क्या देखा था बेटा, इसका संरचना हम लोगों ने देखा था। संरचना में क्या देखा था कि इसमें थ्री टर्मिनल डिवाइसेज होती हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। जो गेट जो होते हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स होते हैं, इसमें थ्री टर्मिनल्स होते हैं और एक कितने तरह के एन चैनल और पी चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है एन चैनल का लिया है। एन चैनल कैसे, मतलब जो मुख्य बीच का जो भाग होगा एन टाइप मटेरियल से बना होगा और साइड साइड में दो पी टाइप मटेरियल होंगे जो क्या होंगे, हाईली डोप्ड होंगे, जो क्या होंगे, जिसकी डोपिंग बहुत ही उच्च होगी। ठीक है, अगर ये पी टाइप बोल देता तो क्या होता बेटा, पी टाइप बोल देगा तो क्या हो जाए, अभी आगे हम इसी में देखेंगे। ये पी हो जाता, ये पी टाइप हो जाता और ये दोनों भाग क्या हो जाते हैं, एन हो जाते और जो कि हाईली डोप्ड होते। ठीक है, तीसरी चीज हम क्या पढ़े थे कि इसका गेट टर्मिनल क्या होता है, दोनों जो पी भाग से लगे हुए गेट टर्मिनल है दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो इसका इसका क्या संरचना हम लोगों ने देख लिया था कि ड्रेन, ठीक है, सोर्स, सोर्स और गेट। ठीक है, हमने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया है, एन टाइप का लिया है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, एन टाइप जेफेट की। अब देखिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एन और पी टाइप का। तो पहले हम देखेंगे क्या, एन टाइप, एन टाइप में क्या देख रहे हैं कि ड्रेन, सोर्स और गेट। क्या है, एन टाइप में एरो गेट टर्मिनल से अंदर की तरफ जाएगा और पी टाइप में एरो गेट टर्मिनल से बाहर की तरफ जाएगा। तो एन टाइप जेफेट का सिंबल है और पी टाइप जेफेट या फेट का सिंबल। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसके पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसके बेसिक अंतर को भी डिस्कशन कर संरचना हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके ऑपरेशन को पढ़ेंगे। ऑपरेशन को पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक ही डायग्राम में हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। देखिए इसमें बेटा ये बड़ा सा एक डायग्राम हम लोगों ने लिया है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, हमने क्या किया है कि इसमें दो कंडीशन होते हैं बेटा। पहला कंडीशन ये होता है, ये पहले संरचना समझ लीजिए, पहले ये संरचना समझ लीजिए, या पहले हम लोग ऑपरेशन ही समझ लेते हैं देन संरचना इसकी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दो कंडीशन में होता है, इसकी दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है जब VGS, अब कैसे इसको टर्मिनल से जोड़ेंगे ये देख लीजिए, फिर उसके बात करते हैं। तो हमने देखा एन चैनल जेफेट का परिचालन हम लोग पढ़ना चाहते हैं, एन चैनल जेफेट का क्या ऑपरेशन या परिचालन हम पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इन दोनों दोनों टर्मिनलों के मध्य जो वोल्टेज अप्लाई होगा उसको क्या रखना है बेटा, रिवर्स वायस रखना है। क्या रखना है, इसको भी रिवर्स वायस, इसको भी रिवर्स वायस। कैसे रखेंगे ध्यान दीजिए, क्या किया हम लोगों ने, गेट क्या है, गेट को हमने पहले ही क्या कर दिया, दोनों शॉर्ट होते हैं, होते हैं कि नहीं, शॉर्ट होते हैं, पहले ही संरचना में हम लोग पढ़ चुके। अब हम क्या किए, ये गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो क्या है, रिवर्स वायस कंडीशन में रहेगा। कैसे रिवर्स वायस कंडीशन में रहेगा, क्योंकि इसके पी भाग को बैटरी के किससे जोड़े हैं, माइनस से, पी भाग को बैटरी के माइनस से जोड़े हैं और इसका एन, ये एन भाग है ना बेटा, ये एन है ना पूरा, एन भाग को बैटरी के किससे जोड़े हैं, प्लस से। क्या हो गया, ये रिवर्स वायस में हो गया।
ठीक है। अब देखिए ड्रेन टू सोर्स को भी रिवर्स बायस रखेंगे, क्योंकि ये एन भाग है, एन को अगर बैटरी के प्लस से जोड़ दिया तो क्या हुआ, एन को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया। अब यहां पी देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पी मत देखिएगा, आप सिर्फ ये देखिए कि अगर एन को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये भी रिवर्स बायस हो गया। तो ये इतना याद रखिए हमने क्या किया कि दोनों को रिवर्स बायस रखेंगे और देन गेट को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन आती है, इसमें दो कंडीशन आती है। अब देखिए इसमें एक चीज और देख रहे होंगे, ये जो डिप्लीशन लेयर है ये इधर की तरफ चौड़ी और नीचे आती है तो ये पतली होती जा रही है। देखिए डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये पतली होती जा रही है, इधर चौड़ी और इधर पतली। अभी बड़े वाले डायग्राम में दिखाएंगे वो क्लियर हो जाएगा, पहले उसको ना समझ के पहले इसको समझिए कैसे होता है, ऑपरेशन कैसे इसका होता है। दो कंडीशन आएगा, क्या कंडीशन आएगा, जब VGS जीरो रखा जाए, जब VGS को जीरो रख दिया जाए, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं इसको जीरो रखा जाए, कोई वोल्टेज अप्लाई ना किया जाए, और तो क्या होता है, और जब VDS को बढ़ाया जाए, ठीक है, तब क्या होगा। तो पहला केस हम देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा डायग्राम क्या दिखाया है। अब इस और इस डायग्राम में अंतर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत माइनर अंतर दिखाया गया है, इसीलिए डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या इन दोनों डिप्लीशन यहां पे देखिए, चूंकि ये एन है और ए पी है, ये क्या बनाएंगे, एक जंक्शन फॉर्म, एन और पी के मध्य एक जंक्शन फॉर्म होगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, अगर VGS को हम बढ़ाएंगे तो इनके मध्य क्या होगा, डिप्लीशन लेयर, क्योंकि रिवर्स वायस में है तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। डिप्लीशन लेयर इन दोनों के मध्य क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पे तो कुछ नहीं अप्लाई किए हैं, तो इनके मध्य गैप क्या है, डिप्लीशन मध्य के गैप क्या दिखाया गया, इतना दिखाया गया है। पहले डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, फिर दूसरा डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा डायग्राम आप क्या देख रहे होंगे, यहां देखिए क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ डिप्लीशन लेयर पतली हो गई है, मतलब चौड़ी होके, और इनके मध्य जो गैप था, ये जो गैप था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए हैं, VGS को बढ़ा रहे हैं। जब VGS को बढ़ाएंगे अर्थात पी और एन के मध्य, पी और एन जो जंक्शन बनेगा, पी और एन के मध्य जंक्शन, उसके मध्य क्या होगा, रिवर्स वायस वोल्टेज लगेगा, और रिवर्स वायस वोल्टेज जब लगाते हैं तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है बेटा, बढ़ती है। क्या होगा, इन दोनों के मध्य क्या होगी, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी को देखा जाए, ठीक है। अब क्या देखो, क्या लिखा है, शून्य VGS पे फेट का पिंच ऑफ करना। ठीक है, अब देखो दो केसेज हम पढ़ेंगे, पहला डायग्राम आपने बना लिया है, जेफेट में ड्रेन धारा का निर्माण कैसे होता है, ये डायग्राम का नाम है फिगर नंबर ए, जेफेट में ड्रेन धारा का निर्माण। दूसरा क्या है, शून्य VGS पे फेट का पिंच ऑफ करना, शून्य VGS पे फेट का पिंच ऑफ करना। पिंच ऑफ करना क्या होता है, अभी हम आगे देख लेंगे। तो पहला केस हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कि VDS जीरो रखा जाए और VGS को शून्य से घटाया जाए, VGS को शून्य से घटाया जाए। शून्य से घटाना मतलब क्या, रिवर्स वायस है, रिवर्स वायस मतलब देखिए, शून्य से घटाना मतलब क्या, VGS को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रिवर्स वायस में जाएगा ना। ग्राफ क्या होता है, देखिए क्या है, ये जीरो है, तो VGS यहाँ लगा है ना, मान लीजिए वोल्टेज रिवर्स वायस वोल्टेज है कि नहीं VGS, तो अब शून्य से इसको क्या कर रहे हैं, घटाएंगे तभी तो बढ़ेगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे ही जाएगा, मतलब घटते हुए क्रम में जा रहा है ना, घट रहा है ना, ये क्या हो रहा है, घट रहा है ना इधर। तो वही बोल रहा है कि VDS शून्य रखा जाए और VGS को शून्य से घटाया जाए, क्या होगा इस स्थिति में, क्या होगा, बोल रहा है कि इस स्थिति में पीएन जंक्शन रिवर्स वायस में हो जाता है। VGS क्या है, रिवर्स वायस में, यहां देखिए रिवर्स वायस में ऑलरेडी है ही, ये रिवर्स वायस में ऑलरेडी क्या है, रिवर्स वायस में है ही। अब इसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना मतलब क्या, घटाना ही तो होगा, जीरो से इधर आ रहा है ना, -1 -2 -3, इसलिए हेडिंग में लिख रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना। तो बोल रहा है क्या, शून्य से घटाया जाए, शून्य से घटाना मतलब -1 -2 -3, तो मतलब रिवर्स वायस में वोल्टेज बढ़ रहा है ना। तो वही बोल रहा है कि इस स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने लगती है, ठीक है, VGS को अधिक
निगेटिव करने पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों अवक्षय परतें एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं, ठीक है, तथा आ जाएंगी, तो इस स्थिति में ड्रेन धारा का मान शून्य हो जाता है। क्या होगा बेटा, देखिए इस पर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, अभी इसको हमने जीरो रखा है, ठीक है, अब इसको बढ़ा रहे हैं, तो देखो बैटरी का ये प्लस टर्मिनल है तो एन भाग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अभी इस पर कोई वोल्टेज ही नहीं लगाए हैं, तो खींचेगा नहीं खींचेगा, तो होगा क्या कि ये डिप्लीशन लेयर क्या होगा, जब इसको बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही यहाँ से सोर्स टर्मिनल से ड्रेन टर्मिनल तक पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये शून्य रखे हैं, तो धारा का निर्माण होगा ही नहीं, होगा जब इलेक्ट्रॉन मोमेंट ही नहीं कर रहा है तो धारा का निर्माण होगा ही नहीं। दूसरा बोल रहा है कि जब इसको बढ़ाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये एक तरह से चिपकने की, ये दोनों एक दूसरे से जो अवक्षय परत है चिपकने की कोशिश करेंगे या चिपक सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्यों चिपकते नहीं है कभी, क्यों नहीं चिपकते वो अभी आप देख लीजिएगा, ठीक है, अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जब इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी, इसका मतलब अभी यहाँ पे जीरो है, कुछ अभी लगाया ही नहीं, कोई वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा ही नहीं रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ जाएगा नहीं, तो ड्रेन धारा का निर्माण हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं तथा इस स्थिति में ड्रेन धारा का मान शून्य रहता है, ठीक है। वह वोल्टेज जिस पे ये घटना घटती है, कौन सी घटना, दोनों अवक्षय परत एक दूसरे से संपर्क में आ जाती हैं, आने की कोशिश करती हैं, मैक्सिमम संपर्क में आ जाती हैं, तो कुछ ही माइनर गैप बचता है, तो उस स्थिति को, तो जिस वोल्टेज पे किसके VGS के जिस वोल्टेज पे ये घटना होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पिंच ऑफ वोल्टेज या चैनल कट ऑफ वोल्टेज कहलाती है। हमें पता है, आपको अभी थोड़ा ही समझ में आएगा, घबराइएगा मत, दूसरा समझिए, पूरा फाइनल एक बार फाइनल करेंगे, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने देखा कि पहला केस क्या देखा कि हमने क्या किया, VDS को क्या ड्रेन और सोर्स के मध्य जो वोल्टेज लगा है इसको शून्य रखा, इसको क्या रखा, शून्य रखा, और इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। देखिए ये क्या है बेटा, ये रिवर्स बायस में है, तो P और N के मध्य जंक्शन बनेगा, अब तो जब बढ़ाएंगे तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं, वास्तव में ऐसा चिपकते कभी नहीं है, तो क्यों नहीं चिपकते वो भी अभी आप समझ जाएंगे। तो जब ये मैक्सिमम मतलब सबसे मिनिमम गैप इनके मध्य बचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही यहाँ जा ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब इसको बढ़ा नहीं रहे हैं, इस प्लस टर्मिनल को बढ़ा नहीं रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा जी, अपनी तरफ नहीं खींचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई धारा का निर्माण नहीं होता है। वह वोल्टेज जिस पे ये इनके मध्य क्या मिनिमम गैप बचता है अवक्षय परत के मध्य, वो क्या कहलाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। कैसे, अब देखते जाइए, दूसरा केस क्या लेंगे, केस नंबर वन था हेडिंग में, VGS जीरो, अब क्या कर दिया, गेट टू सोर्स के मध्य जो वोल्टेज था उसको क्या किया बेटा, हम लोगों ने जीरो कर दिया, और VDS को बढ़ा रहे हैं, अब VDS को बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, सेकेंड केस हमने क्या लिया कि अब इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया और इसको अब हम बढ़ा रहे हैं, होगा क्या, अब इसको जीरो कर दिया, तो जीरो कर दिया तो पी और एन के मध्य अब क्या होगा, ये डायग्राम देखिए, पी और एन के मध्य क्या हुआ, ये डायग्राम हमने अब यहाँ पे क्या किया है, इस VGS को जीरो के बराबर कर दिया और VDS को बढ़ा रहे हैं, तो पी और एन के मध्य क्या होगा बेटा, ये अवक्षय परत के मध्य गैप क्या होगा ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ रिवर्स वाइज वोल्टेज तो हम मतलब बढ़ा ही नहीं रहे हैं ना, इसको जीरो के बराबर कर दिया, तो इनके मध्य क्या होगा, गैप ज्यादा होगा। अब जब VDS को बढ़ाएंगे तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल क्या करेगा, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे तो आईडी करंट धारा किधर फ्लो करेगी,
इधर फ्लो करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है वो, तो धारा उसके विपरीत दिशा में फ्लो करेगी, क्योंकि ड्रेन ड्रेन टर्मिनल है, इसीलिए यहाँ पे ड्रेन धारा आईडी फ्लो करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से समझिएगा एक बार, यही ऑपरेशन है बेटा कि क्या हमने किया, इस प्लस को, बैटरी के प्लस को बढ़ाया, मतलब अब इस वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, इस वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा, यहां देखिए ये माइनस क्या करेगा, यहां के माइनस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, मतलब क्या करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, और बैटरी का ये जो प्लस टर्मिनल है इस माइनस को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जब ये आकर्षित करेगा तो एक धारा का निर्माण होगा जो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा में बहेगी, जिसे आईडी धारा बोलते हैं। अब एक बात हम लोगों ने, वही चीज हम लोग यहाँ लिखे हैं बेटा, तो ये एक सेकेंड कंडीशन के लिए डायग्राम है, ये सेकेंड सेकेंड केस के लिए डायग्राम था, और ये केस फर्स्ट के लिए डायग्राम था, ये केस फर्स्ट के डायग्राम था, इसी चीज को हमने शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा, देखिए क्या लिखा है, इसको एक बार देख लीजिए, कि इस स्थिति में ड्रेन तथा सोर्स के बीच उपरोक्त चित्र ए के अनुसार क्या करेंगे, वोल्टेज आरोपित करेंगे, अर्थात VDS को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोर्स क्या था, यहां सोर्स था ना, नीचे सोर्स था, ऊपर ड्रेन था, ऊपर क्या था, ऊपर ड्रेन था, तो सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा, और ड्रेन धारा आईटी का निर्माण होगा, ठीक है, जिसे उपरोक्त चित्र ए में दिखाया गया है, ठीक है, चित्र ए में दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया। अब आईडी करंट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आईडी करंट, जो आईडी करंट ड्रेन करंट जो फ्लो कर रही है, आईडी ड्रेन करंट जो फ्लो कर रही है किस वोल्टेज के कारण, आई बराबर क्या होता है, V/R, किस वोल्टेज के कारण, VDS/R, तो R बराबर क्या होता है, ρ L/A, R बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा ρ L/A, जहां रो क्या है, स्पेसिफिक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, ठीक है, जो जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है, ये किस बात पर डिपेंड करती है, ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहाँ एल क्या है, लंबाई है, किसकी, कंडक्टर की लंबाई है, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो R बराबर ρ L/A, तो यहाँ पे हमने इस जगह पे R के जगह पे इसका वैल्यू रख दिया, तो ये फार्मूला आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ दो तीन चीजें समझने वाली हैं, कि हमने बोला कि जब गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज को जब बढ़ा रहे थे, डिप्लीशन लेयर दोनों तरफ क्या अवक्षेपवृत्त की चौड़ाई बढ़ रही थी, लेकिन दो कंडीशन हम देखे, यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखा। अब ये आपको टोटल सारी चीजें समझ में आ गई, अब आ जाइए यहाँ पे, अब बड़े वाले चित्र में हमको आपको पूरी अच्छे तरीके से ऑपरेशन समझा दे रहे हैं, वो कह रहा है देखिए, यहाँ पे दो चीजें हमने देखा बेटा, जब हम इसको बढ़ा रहे हैं, जब हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो हमने बोला कि ये दोनों अवक्षय परत बढ़ेंगी, लेकिन इस डायग्राम में एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस साइड का अवक्षय परत ज्यादा चौड़ा है एज कंपेयर टू इधर की तुलना में, ये कैसे बनाया है, यही बात मैं शुरुआत में बता रहा था, कि ड्रेन की तरफ जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है, और सोर्स की तरफ जो अवक्षय, सोर्स टर्मिनल की तरफ जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वो कम होती है। क्यों ऐसा होता है, इसका भी रीजन अभी आपको मिल जाएगा। पहला इस डायग्राम में ये चीज आपको देखने को मिला। दूसरी चीज, कैसे हम कहते थे कि क्या है, फिट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्यों हम कहते थे कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्यों कहते थे, पहले का आंसर पा जाइए कि इसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, जब जब हमने इसको बढ़ाना शुरू किया, ठीक है बेटा, और इसको जीरो रखा, तो आराम से ये अवक्षय परत इतना था, कम पतला था, आराम से इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ से फ्लो हो रहा था और आईडी धारा का निर्माण यहाँ पे हो रहा था। लेकिन अब VGS को भी हमने बढ़ाना शुरू किया, मान लीजिए इसे इसे किस मान पे रखे हैं, फिर इसको हल्का सा बढ़ाया, तो हमने देखा अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हुई, बढ़ गई, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो अब क्या हो गए, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो धारा का मान आईडी के मान में कमी आएगी कि नहीं आएगी। पहले जब VGS को जीरो रखा था
जब इसको जीरो रखा था तो आईडी की धारा अगर बन रही थी, मान लो कुछ भी 10 मिली एम्पियर बन रही थी, कुछ भी बन रही थी, ठीक है। तो लेकिन जब वीजीएस को बढ़ाया, अच्छे प्रत की चौड़ाई, अब इलेक्ट्रॉन्स जो सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे थे, सोर्स से ड्रेन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, पहले अगर 10 जा रहे थे तो अब 8 ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चौड़ाई बढ़ गई। तो चौड़ाई बढ़ गई तो धारा का मान क्या हुआ? कम हुआ। यही कारण है कि वीजीएस को घटा या बढ़ा के आईडी क्या ड्रेन धारा का हम नियंत्रण कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यही कारण है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो अब समझ में आया, उस दिन आपको हमने बता दिया था कि बीजेटी को करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते थे, कि क्योंकि आउटपुट और इनपुट दोनों पे करंट ही था। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कि इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं? इनपुट पे वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट पे करंट का कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब है क्या है? वोल्टेज से हम ड्रेन धारा, इस वीजीएस वोल्टेज के माध्यम से हम ड्रेन धारा को घटाया बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। एक और ग्राफ आपको समझाया होगा। अब हमने बोला कि ये दोनों कभी सट नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा? देखिए, पी हाईली डोप्ड है और इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं, इधर भी होल्स। क्या ये प्लस प्लस अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हमेशा प्लस प्लस समान आवेश हमेशा क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम इसको कितना भी बढ़ाएं, एक मतलब बढ़ाते चले गए, एक टाइम आएगा कि ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, ये अपने मैक्सिमम में पहुंच जाएगा। लेकिन कभी सट दोनों सट नहीं सकते। क्यों नहीं सट सकते? क्योंकि इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। दो का आंसर आपको मिल गया, दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब तीसरा कौन सा क्वेश्चन क्या था आपका? तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में डाउट क्या है, कि ये अवक्षय परत की चौड़ाई इधर ज़्यादा क्यों हो रही है, इधर कम क्यों हो रही है? इसका रीजन क्या है बेटा? ये थोड़ा डीप में जाएंगे तो पता चलता है। एक्चुअल में इधर इस एन भाग में क्या हो रहा है? प्लस ज़्यादा हो रहा है। इधर क्या है? प्लस ज़्यादा बढ़ रहा है, इधर माइनस कम हो रहा है। देखिए, इसका बेसिक जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अगर डीपली समझा जाए तो आपको थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। हम लोगों का मेन मोटो क्या है? यहाँ पे चीज़ों को समझना, ना कि अपने सिलेबस के अनुसार जितनी चीज़ें हैं उसको समझना। बोल रहा है कि ड्रेन टर्मिनल इज मोर पॉजिटिव, क्योंकि ड्रेन टर्मिनल क्या होता है? यहाँ पे जो ड्रेन टर्मिनल है वो मोर पॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू ये सोर्स टर्मिनल के, एज कम्पेयर टू सोर्स टर्मिनल के। देखिए, जब भी हम पी और एन भाग बनाते हैं, ठीक है, क्या होता है एक्चुअल में, जब और अंदर जाएंगे, ये पी भाग है और ये एन भाग है, हमने यहाँ की क्या किया, पी को माइनस से एन को प्लस से जोड़ दिया, ये रिवर्स वाइज की कंडीशन हो गई। तो हमेशा डिप्लीशन लेयर प्लस की तरफ क्या होगा? ज़्यादा होगा, और माइनस की तरफ क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा कि नहीं? हमने क्या किया, P को माइनस से जोड़ दिया और N को प्लस से जोड़ दिया, ये रिवर्स वाइज की कंडीशन हो गई। अब देखो, इधर कम डिप्लीशन लेयर का वो होगा, ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली देखा जाता है, और ये इधर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। वही बोल रहा है कि क्या होता है, इधर प्लस है तो प्लस की तरफ डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होता है और माइनस की तरफ डिप्लीशन लेयर कम होता है। तो विकास, ड्रेन टर्मिनल इज मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू सोर्स टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल की तुलना में ड्रेन टर्मिनल ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो आपको दो तीनों क्वेश्चन के आंसर मिले। पहला क्वेश्चन क्या था कि फेट को क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं? तो हमने देखा, फेट को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब वीजीएस का मान जीरो रख रहे हैं तब ड्रेन धारा का निर्माण कुछ और वैल्यू पे होगा, जब इसको बढ़ाएंगे तो ड्रेन धारा क्या होगी, घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम जाना शुरू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इसकी अवक्षय परत की चौड़ाई क्यों हो जा रही है, क्योंकि इसका
जो ड्रेन का ड्रेन टर्मिनल है वो मोर पॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू सोर्स टर्मिनल के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और था कि व्हाट डू यू मीन बाई पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज किसे बोलते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज उसे बोलते हैं कि जिसमें क्या हो, जब इस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं तो ऐसी कंडीशन आ जाए कि अपने दोनों अवक्षेपवृत्त अपने मैक्सिमम चौड़ाई को अटेंड कर लें, अर्थात इन दोनों के मध्य मिनिमम गैप बचे, उस दशा में ड्रेन करंट नहीं फ्लो करती है। और ये घटना जिस पे होती है उसी को पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, जिसे वी पी से डिनोट करते हैं। जैसे इस ग्राफ में देखिए बेटा, इस ग्राफ में दोनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या, पहले हमने ड्रेन करंट और वीडीएस के मध्य एक ग्राफ खींचा है, हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, वीडीएस को बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है, वीडीएस को बढ़ाते चल रहे हैं, और वीजी यहाँ पे क्या रखे हैं, जीरो रखे हैं। तब जो पिंच ऑफ मिल रहा है क्या मिल रहा है, 7 वोल्ट पे मिल रहा है, 7 वोल्ट पे मिल रहा है, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, वीजीएस को -1 वोल्ट कर दिया, वीजीएस को -1 वोल्ट कर दिया, तो ये 6 ही वोल्ट पे प्राप्त हो जाएगा। मतलब ड्रेन करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां पे हो रही है कि नहीं हो रही है, तो क्यों हो जाएगी, ड्रेन करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर लेगी, ठीक है, सॉरी। तो ये क्यों हो गया, जैसे ही हमने इसको बढ़ाया तो क्या हुआ, क्या हुआ, अब इसको इसका मान देखो, इसका मान पहले 7 वोल्ट रखा था, तो ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को 7 वोल्ट पे मैक्सिमम वैल्यू पा रही थी, ठीक है, तो इसे बोल दे रहे थे पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अब जब वीजीएस जीरो था, लेकिन अब ये -1 वोल्ट यहाँ बढ़ा दिया, -1 वोल्ट बढ़ाया तो ये कितने पे ही प्राप्त हो जाएगा, 6 वोल्ट पे ही ड्रेन करंट मैक्सिमम पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रेन करंट की वैल्यू क्या हुई, क्या हुई बेटा, ये वीपी क्या हुआ, मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हुआ, कम हो गया। तो वही चीज इसको आपको यहां समझाया गया था, क्या क्या बताया गया था कि पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि एक सेकेंड, पहला कंडीशन क्या था, ये संरचना देख लिया हम लोगों ने। पहला कंडीशन क्या था कि देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से, कि यदि वीडीएस जीरो रखा जाए, वीजीएस को 0 से घटाया जाए, मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज में इसको बढ़ाया जाए, 0 से -1 -2 -3, तो क्या बोल रहा था कि इस स्थिति में क्या हो जाएगी, ये सारी घटनाएं होंगी। और देखो क्या बोल रहा था कि क्या बोल रहा था कि जब बढ़ाएंगे निगेटिव करने पर एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों अवक्षेप परतें एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं। वास्तव तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम गैप क्या हो जाएगा, उन दोनों के मध्य एकदम मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तथा इस स्थिति में ड्रेन धारा का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 0 होगा कि नहीं होगा, हमने वीजीएस क्या किया है, ड्रेन और सोर्स वोल्टेज को अभी 0 रखा हुआ है, वीजीएस को बढ़ाते चल रहे हैं। तो बोल रहा है कि वह वोल्टेज जिस पे ये घटना होती है, क्या ये घटना होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज या चैनल कट इन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, चैनल कट इन वोल्टेज बोलते हैं। देखो यहां लिखे हैं, यहां ड्रेन धारा आईडी को वीजीएस के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, इसीलिए इसे वोल्टेज नियंत्रक यंत्र या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने पीडीएफ भी भेज दिया आपको, फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोगों को ये समझ में आया होगा और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। डायग्राम में एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से बनाना था जेफिट की संरचना, पहले हम आपको समझा चुके थे, ठीक है, हमने बता दिया था। और क्या था, अब इसकी संरचना के बाद एन चैनल जेफिट का प्रचालन कर रहे हैं, एन चैनल जेफिट का प्रचालन कर रहे हैं बेटा, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखते जाइए। पहला डायग्राम बनाइएगा, ये इसमें क्या दिखा रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर दो चीज़ों का ध्यान देना है, क्या डायग्राम बनाने से पहले दो चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, क्या है, अवक्षय परत इधर थोड़ी चौड़ी रहेगी, इधर थोड़ी पतली रहेगी, ऊपर की साइड ड्रेन की तरफ थोड़ी सी चौड़ी और सोर्स की तरफ थोड़ी सी पतली, इन दोनों गेट टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, रिवर्स वायस में, इसको भी रिवर्स वायस में रखना है, इसको भी रिवर्स वायस में रखेंगे, तो पी भाग को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो यहाँ रिवर्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, और यहाँ के एन भाग को बैटरी के प्लस, ये एन है ना पूरा, एन भाग को प्लस से जोड़ देंगे, माइनस हो जाएगा, मतलब रिवर्स वायस में हो जाएगा।
उसके बाद एक बार हम VGS को जीरो रखेंगे, इसको जीरो रखेंगे, ठीक है, और एक बार इसको जीरो रखेंगे। दोनों ही स्थिति में हमने पढ़ लिया पहली हेडिंग क्या दिया है। अब देखो दूसरा डायग्राम हम बना रहे हैं, दूसरी स्थिति क्या कर रहे हैं हम लोग, जब VGS को बढ़ा रहे हैं, VGS को बढ़ा रहे हैं तो अवक्षेप रत लगभग लगभग एक दूसरे के, इन दोनों के मध्य गैप क्या हो जा रहा है, मिनिमम हो जा रहा है, इसी चीज को शो किया गया है बेटा। तो दूसरा डायग्राम क्या लिखा है, शून्य VGS पे फिट का पिंच ऑफ करना, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, पहला है, पहला केस क्या है, केस नंबर फर्स्ट, यदि VDS बराबर जीरो और VGS को शून्य से घटाया जाए, घटाया जाए तो क्या घटनाएं होंगी, इस चीज को पढ़ना था, इस चीज को आपको हमने बता दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या था, दूसरी स्थिति हम क्या देख रहे हैं, जब VGS जीरो है और VDS को आरोपित करते हैं, मतलब अब VDS को बढ़ा रहे हैं, VGS को जीरो कर दिया, उस स्थिति में क्या हुआ, इसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों कहते हैं, ये था। अब क्या था, क्यों कहते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से सब कुछ बना के अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, डायग्राम की बारीकी समझ लीजिएगा कैसे बनाना है। अब अगर आपसे कोई बोलते पी चैनल जेफिट का परिचालन समझाए, सेम चीज, सिर्फ क्या होगा बेटा, हमने बताया था सेम चीज होगा, सिर्फ क्या होगा, एक डायग्राम बदलेगा, देखिएगा क्या क्या जी, हमने क्या किया, अब बड़े भाग को P ले लिया और छोटे भाग को N ले लिया, दोनों छोटे भाग N क्या होंगे, हाईली डोप्ड होंगे, P जो होगा लाइटली डोप्ड होगा, क्या हुआ, सेम चीज, कुछ नहीं करना है बेटा, और इसकी थ्योरी भी सेम है, कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या हुआ, अब इस P भाग में क्या होंगे, इस P भाग में होल्स होंगे कि नहीं होंगे, होल्स होंगे, और N भाग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N भाग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो हमने बोला था इन दोनों को रिवर्स बायस में रखना है, गेट को तो वैसे ही शॉर्ट कर देंगे, दोनों को रिवर्स बायस में रखना, कुछ मत करना, रिवर्स बायस में रखने के लिए क्या करेंगे, N भाग आ गया तो क्या दिक्कत है, N को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया तो क्या हो गया, और दूसरे वाले को माइनस ऑटोमेटिक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। यहां देखिए P को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, P को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया, ऑटोमेटिक क्या हुआ, रिवर्स बायस हो गया। और अब थ्योरी थोड़ी बदल जाएगी, अब क्या करेंगे, इसको जब जीरो रखेंगे तो देखेंगे इनके मध्य गैप ज्यादा है, आराम से, अब ये होल है बेटा, यहां का होल बैटरी का, ये माइनस, देखो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल इस होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऊपर की तरफ धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा, और बैटरी का माइनस टर्मिनल इस होल को अपनी तरफ खींचेगा। अब होल जिस दिशा में फ्लो करते हैं, ड्रेन करंट भी उसी दिशा में फ्लो करती है, उसी दिशा में फ्लो करती है, इसीलिए यहाँ पे ड्रेन करंट को क्या दिखाया गया है, इधर उस वाले में क्या दिखाया गया था, एन चैनल में इधर, बस यही अंतर है जी, बस थ्योरी सेम। केस पहला क्या लिखेंगे, जब VGS को क्या किया जाए, VGS को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए और VDS को शून्य रखा जाए तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ का होल्स अवक्षय परत इन दोनों के मध्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, और यहाँ का होल्स क्या होगा, सोर्स से होल्स, सोर्स टर्मिनल से होल्स ड्रेन टर्मिनल की तरफ नहीं पहुँच पाएगा और ID धारा नहीं फ्लो करेगी। दूसरा केस क्या होगा, जब VGS को जीरो रखा जाएगा और VDS को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, जब VDS को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ का होल्स क्या होगा, ड्रेन टर्मिनल की तरफ, सोर्स से ड्रेन टर्मिनल की तरफ आकर्षित होगा और यहाँ पे एक धारा का निर्माण होगा जिसे ID धारा, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे रहेगी, ठीक है। यही चीज आप थ्योरी में अपने आप से लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ भी चित्र दिखाया गया है, जेफेट में ड्रेन धारा नॉर्मल अवस्था में, और जब क्या किया गया, इसको बढ़ाया गया है, ये दूसरा डायग्राम क्या है, जब इसको बढ़ाया गया है, ये दूसरा डायग्राम क्या है, जब इसको बढ़ाया गया है, देखते जाइए, जब इसको बढ़ाया गया है तो सेम चीज है, सेम, बस क्या कीजिएगा, थ्योरी हल्का सा चेंज हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपको एन चैनल पूछता है तो एन चैनल लिखेंगे, पी चैनल पूछेगा तो पी चैनल लिखेंगे, सेम थ्योरी, बस थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी थ्योरी लिख लेंगे, अगर नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको दिन एक दिन बोल के लिखवा देंगे। तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या, कि
जेफेट को। हाँ एक चीज और बेटा, एक चीज और रह गया क्या, जो हमने अंतर लिखवाया था कि इसमें सिर्फ बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही धारा का निर्माण होता है, इसीलिए इसे यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण ही तो निर्माण हो रहा है, देखिए एन चैनल ले रहे हैं तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा का निर्माण हो रहा है, इधर जा रही है और धारा फ्लो कर रहा है, जब इसको पी ले रहे हैं तो सिर्फ होल्स के कारण हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं कि ये फेट में क्या होता है, धारा का निर्माण बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो होल, कभी दोनों के कारण नहीं होता है, इसीलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, उस दिन जितनी 10 पॉइंटें जो बची हुई थी सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया हमने, कि उस 10 पॉइंट में जो भी पॉइंटें बची हुई थी सारी क्लियर हो गई। इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस किसे कहते हैं, इसे क्या, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहकों, यूनिपोलर डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही धारा का निर्माण होता है। क्यों, कैसे बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण धारा का निर्माण होता है, ये आप देख लिए, ये आप यहाँ पे देख लिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा, नोट डाउन करेंगे कॉपी पे और इसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।